हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने रेडमी के फ़ोन का फेस लुक को सेटअप करोगे। दोस्तों आप अपने फेस लुक को सेटअप करना चाहते हो दोस्तों फेस लुक फुल सेटिंग बताऊंगा दोस्तों वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों हम बात करेंगे आज फेस लुक फुल सेटिंग के बारे में रेडमी के फ़ोन में। दोस्तों बिना किसी टाइम को वेस्ट करें आपको फ़ोन की सेटिंग पर क्लिक करना है। फ़ोन की सेटिंग पर क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पर सकते हो पासवर्ड सेटिंग, आपको इसी पर ही क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर ऐसे तो फेस लॉक है, फिंगरप्रिंट लॉक है, स्क्रीन लॉक। दोस्तों यहाँ पर आप अपने फिंगरप्रिंट को भी लगा सकते हो। दोस्तों हम क्लिक करेंगे फेस लॉक पे। दोस्तों फेस लॉक जैसे तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा ऐड फेस डाटा का, आपको नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको पहले पैटर्न, पिन या पासवर्ड कुछ एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब आप फेस लॉक को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैं पिन को यूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो, पैटर्न या पासवर्ड। दोस्तों यहाँ पर आप 5 सेकंड के बाद मैं इस पर कॉटिट कर लूँगा। दोस्तों हमारे को पहले वार्निंग दी गई है, हमारे को अपने पासवर्ड को याद रखना है, अगर हम इसको भूल जाते हैं हमारे को अपना फ़ोन रीसेट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं एक फाइव डिजिट का पिन यूज़ कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। आप कुछ भी कर सकते हो पर दोस्तों आपको वो पिन याद रखना है। ओके कर देना। दोस्तों आपके फ़ोन में यहाँ पे अभी इस तरीके इंटरफेस आएगा, आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको 5 सेकंड के लिए वेट करना है और फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करो। दोस्तों यहाँ पर आपको अपने फेस को शो कर देना है इस वाले फ्रेम में। दोस्तों जैसे आप फेस को शो करोगे दोस्तों यहाँ पर सिर्फ तो डन का ऑप्शन, आपको इसी पे क्लिक कर देना है और दोस्तों यहाँ पर आपका फेस लॉक लग जाता है। दोस्तों ये आप रेडमी के फ़ोन में, दोस्तों पोको के फ़ोन में ये खास बात है। दोस्तों यहाँ पर आप 2 फेस लॉक को एक साथ यूज़ कर सकते हो। दोस्तों आप एक और फेस को यहाँ पर ऐड कर सकते हो नेक्स्ट करने के बाद, और फिर दोस्तों आप अपने फ़ोन में फेस लॉक को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों 2 फेस लॉक दोस्तों आप यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों एक आपने अपना सेट कर लिया, दोस्तों एक अपने फ्रेंड का लगा सकते हो, दोस्तों आप किसी का भी लगा सकते हो यहाँ पर। तो फिलहाल तो दोस्तों अभी हम एक ही यूज़ करेंगे और मैं आपको इसको दिखाता हूँ। दोस्तों आप अपने इसकी लॉक स्क्रीन, दोस्तों यहाँ पर आप अपने फेस को अगर आप शो करोगे दोस्तों यहाँ पर आपका फ़ोन ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ ऑटोमेटिक अनलॉक हो गया है। तो आप इस तरीके से अपने फेस लॉक को सेटअप कर सकते हो अपने रेडमी के फ़ोन में। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है अगर आप फेस लॉक यूज़ नहीं करना चाहते। दोस्तों यहाँ पर आपको फ़ोन की सेटिंग पर दोबारा से क्लिक करना है। यहाँ पर आपको स्क्रॉल कर लेना है, पासवर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है, फेस लॉक पर। और दोस्तों अगर आप बाई चांस गलती से अपने स्क्रीन लॉक को अगर आप हटा देते हो, इसके दोस्तों आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने स्क्रीन लॉक को हटा दिया अपने फ़ोन में दोस्तों यहाँ पर आपका फेस लॉक ऑटोमेटिकली हट जाता है। देख सकते हो यहाँ पे वार्निंग दी जा रही है। तो हमारा जो फिंगरप्रिंट लॉक है, फेस लॉक है, ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन से डिलीट हो जाएगा अगर आप इस पर क्लिक करते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं इसी पे ही क्लिक करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे फ़ोन दोस्तों कोई भी फेस लॉक नहीं है, यहाँ पर कोई भी लॉक नहीं है। दोस्तों सारे लॉक हमारे फ़ोन से यहाँ से हट गए हैं, जो भी फेस लॉक है, फिंगरप्रिंट लॉक है, स्क्रीन लॉक, दोस्तों सब कुछ हमारे फ़ोन से रिमूव हो गया है। दोस्तों आप इसी तरीके से अपने फोन से फेस लॉक को सेटअप कर सकते हो और आप इसको हटाना चाहते हो आप ऐसे हटा सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।